अस्सलाम वालेकुम वेज, वेलकम टू स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल। और स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल पे फोटोशॉप क्लासेस की जो सीरीज है, आज हमारी क्लास नंबर 12 है। और इसमें जो क्लास नंबर 11 थी, उसमें हमने देखा था टेक्स्ट टूल, जिसमें हमने इंग्लिश टाइपिंग की थी किसी भी फॉन्ट में, किसी भी साइज में और मुख्तलिफ शेप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देखें, और उसके बाद आप ये वीडियो दोबारा देखें, तो आपको जो चीज़ मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताने वाला, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बता गया था, आपको उसमें मिलेंगी और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करें इस टाइप ऑफ टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, और जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही वो पूछें, हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेप अप का यूट्यूब चैनल के फोटोशॉप ट्यूटोरियल का, वो है फोटोशॉप में उर्दू लिखना। जो मैंने लिखा भी उर्दू में ही है। सो फोटोशॉप में उर्दू टाइपिंग करना, सो इंग्लिश टाइपिंग तो हो जाती है, हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में है, सो हम उसको इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब हम उर्दू की बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि जनाब हमारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर उर्दू के अल्फाबेट्स नहीं लिखे हुए और इन पेज भी नहीं है और फोटोशॉप में इन पेज नहीं चल रहा इस तरीके से, तो हम फिर किस तरह कोलड्रा यूज। तो लाजमी बात है उनका कीबोर्ड पे प्रैक्टिस भी होगी, और जो है इन पेज और कोलड्रा उसमें भी वो कॉपी पेस्ट करते हैं। वो कोलड्रा का प्रोसीजर ये है कि आप उसको इन पेज में टाइप करें और उसको कॉपी करके कोलड्रा में पेस्ट करें, लेकिन उसका भी एक स्पेसिफिक वे है उसको पेस्ट करने का, एज सच आप उसको पेस्ट नहीं करते। सो फोटोशॉप में उर्दू टाइपिंग या उर्दू लिखना इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या अपने लैपटॉप में। मैं यहाँ पे इधर मैंने ये एक वेबसाइट खोली हुई है, ये अभी फुल लोड नहीं हो रही, शायद कोई इंटरनेट का इशू है। सो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर ये आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, आप ये जो फर्स्ट नंबर पे आ रही है इससे कर लें, आप सीनेट से कर लें, उर्दू इनबॉक्स से कर लें, या फिर सॉफ्टवेयर 786 गो गेट इन टू पीसी है, सॉफ्टोनिक है, मीडिया फायर है। सो मीडिया फायर से कर लें वो ज़रा बेहतर है, सॉफ्टोनिक का भी ट्रस्टेड है और उसका गेट इन टू पीसी का भी। सो इसमें ये थोड़ा नेट का इशू है इसलिए ये नहीं ओपन हो रही, लेकिन मैं आपको लिंक बता देता हूँ। अगर इसमें आपने करना है तो यहाँ पे आपको नीचे इस तरह के लिंक मिलेंगे, और उनमें आपने अगर आप इसकी जिप फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिप पे क्लिक करेंगे। अगर आपने तो ये आपको सॉफ्ट मीडिया या मीडिया फाइल पे आपको ये मिल जाएगा, या आप इसे डाउनलोड फ्रॉम इसकी जो इंस्टॉलर फाइल है वो इंस्टॉल करना चाहें, वो आपको ई एक्स ई फाइल जो होती है किसी भी एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन फाइल, विंडो के अंदर वो ई एक्स ई होती है, मैक के अंदर वो DMG फाइल होती है। सो आप उसका इंस्टॉलर डायरेक्ट exe डाउनलोड करें या zip डाउनलोड करें, लेकिन रिकमेंडेड मैं ये करूंगा कि आप उसकी zip फाइल डाउनलोड करें ताकि इन फ्यूचर उसमें कोई एरर ना आए, क्योंकि ओपन सॉफ्टवेयर आप जब आप सिंपली डाउनलोड करते हैं और उसको zip बना के नहीं रखते तो उनमें वायरस की वजह से उसमें करप्शन करप्ट हो जाता है वो एप्लीकेशन। zip उसको जो आपको zip बना के रखते हैं, RAR बना के रखते हैं, वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर देता है। सो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करूंगा और मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। सो जी ये आ गया हमारे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड होकर, और इस डाउनलोड को ये देखें, ये जिप फाइल है, विनर आर्चीव जिप फाइल, जिप आर्चीव है। अगर ये RAR होता तो विनर RAR आर्चीव होता। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करूंगा। आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं तो सारी फाइल उसकी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ तो आपको ये इसके अंदर एक exe मिल रहा है। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे तो ये इसी नाम के फोल्डर से आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। यहाँ से ओके करें और ये आपको इस नाम का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन है वो होगी। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं तो आप इसको ओके कर दें तो वो आपको जो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे कर देगा। आप इन दोनों में से किसी को भी ओपन कर लें, आप उसको रन करें, डबल क्लिक करें या रन कर लें, रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, ओपन कर लें, तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप उसको यस करेंगे और वो आपसे आपको उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा।
वो आपसे पूछेगा कि वो मेरा पहले इंस्टॉल हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर, ये इसलिए वो कह रहा है कि आपने अपने प्रोग्राम मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है, रिमूव करना। सो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो पहले इंस्टॉल हुआ हुआ है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जस्ट आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बताना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर आप बहुत ईजी है, जिस तरह आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसी तरह आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने फोटोशॉप पे, और फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे अगर आप, मैं नीचे टास्क बार में आपको ENG लिखा नजर आएगा, मेरी स्क्रीन जो है टास्क बार से ऊपर ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। सो टास्क बार बार के अंदर टाइम वाली जगह के साथ आपको ENG या उसे लैंग्वेज बटन कहते हैं, मैंने उसको प्रेस किया है और आपके पास ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें आपके पास लैंग्वेज प्रेफरेंसेस हैं, उर्दू पाकिस्तान है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट आपकी जो है वो टॉप पे है क्योंकि वो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है विंडो के अंदर यूज करने के लिए। उर्दू आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है, जब आप इसे टाइप करना चाहे तो आप उर्दू कर सकते हैं। सो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस के अंदर आप इसको अप एंड डाउन में कर सकते हैं। अगर आप उर्दू को पहले रखना चाहते हैं या इंग्लिश को पहले रखना चाहते हैं तो आप इसकी सेटिंग में जाएं और यहाँ पे इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स की, और साथ इसमें आपके यहाँ पे ये उर्दू है, इंग्लिश पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये आपकी उर्दू है। ठीक हो गया जी। इसका अगर आप कीबोर्ड देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको इसका कीबोर्ड भी दिखा देगा कि उसका वो क्या है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं शो होगा। आप इसका कीबोर्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं इधर जाता हूँ क्रोम पे और मैं ये देखूँ वो फाइल ओपन हो गई, यहीं से मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ओके सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाक उर्दू इंस्टॉलर लेआउट, मैं लेआउट लिखता हूँ या कीबोर्ड लिखता हूँ और मैं इसकी इमेजेस पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस मिल रही हैं इस टाइप की या फिर ये वाली बेस्ट है आई थिंक। सो आप इस इमेज को सेव करके जहाँ पे आपका वर्किंग स्टेशन है आप प्रिंट करवा के आप उसको सामने लगा लें ताकि आपको जब कोई वर्ड भूलेगा तो आप यहाँ से देख के कि कौन से लेटर पे, कौन से अल्फाबेट के आपका कौन सा लेटर है और शिफ्ट के साथ कैसे है और वो नॉर्मली कैसे है, तो आप उसे वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर जब आप 5-6 दफा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा और आप इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था उसका कीबोर्ड लेआउट, ये आपने गूगल से ले लेना है, आपको इजीली और फ्रीली मिल जाएगा। चलें जी, अब आपने लैंग्वेज को टॉगल कैसे करना है। टॉगल का मतलब है कि आपने इंग्लिश से उर्दू कैसे करना है और उर्दू से वापस इंग्लिश कैसे करना है। वन सिंपल वे, आप माउस इंग्लिश बटन पे ले जाएं जो आपके टास्क बार में होगा, वहां पे आप क्लिक करें और वहां पे आप उर्दू सेलेक्ट कर दें तो वहां पे अलिफ रे लिखा आएगा और वो आपकी उर्दू होगी। और आप उस पे ले जाएंगे तो आपको एक शो करवा देगा नोटिफिकेशन कि आप उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड पे हैं। देन आप दोबारा से उसको लैंग्वेज बार पे जाके आप उसको इंग्लिश पे क्लिक करेंगे US कीबोर्ड पे, तो आप US कीबोर्ड पे लगा के उसको टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये था माउस के जरिए विद हैंड्स। शॉर्टकट की क्या है आप इसकी, आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें तो आपकी लैंग्वेज उर्दू भी सिलेक्ट हो जाएगी। आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें तो आपकी लैंग्वेज उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू होती जाएगी। आप ये मेरा टास्क बार नीचे है वरना आप देख लेते कि उसमें वो चेंज हो रही है। ठीक हो गया जी। ओके अब उर्दू लिखनी कैसे है, आपने जस्ट इसको उर्दू पे लाना है, टाइप टूल पे लाना है, साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ जाए, और मैं यहाँ पे मैंने इसको छूट दिया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप अप टेक, ये मैंने स्टेप अप टेक लिखा और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ और मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ ताकि ये हमें क्लियरली नजर आ जाए। ठीक हो गया। मैं इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ, व्हाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा नजर आएगा। सो स्टेप अप टेक मैंने लिख दिया इसके ऊपर। अच्छा आप ये
आपको इस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह मैंने लिख दिया, मेरी सेटिंग हुई हुई है इसलिए इसने इसको डायरेक्टली लिख दिया। आपको ये बिगड़ी हुई शक्ल में भी लिख सकते हैं, कहीं पे ये सीन पहले लिख देगा, टे बाद में लिख देगा। सो यहाँ पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं आप, या फिर आप इसके प्रेफरेंसेस में जाके उसको सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, आपने आपने एडिट पे जाना है, एडिट पे जाके आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएंगी। प्रेफरेंसेस के अंदर आपके पास सेटिंग होगी टाइप की, टाइप पे आपने क्लिक करना है। जब आप टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपने आपकी जो सेटिंग है वो हो सकता है मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन पे लगी हुई हो। ठीक हो गया, मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन पे लगी हुई। मैं मिडिल ईस्टर्न पे लगा के आपको एक इसका सैंपल दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे नई फाइल लेनी पड़ेगी। मैंने न्यू फाइल ओपन की और यहाँ पे मैं इसको, ये मैंने न्यू फाइल ली। ओके सो मैं यहाँ के पर मैं लिखता हूँ स्टेप, एक्चुअली फोटोशॉप मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसलिए वो इफेक्ट आ गया, इफेक्ट होगा। लेकिन अब आपको मैं सिंपली ये इतना बता दूं कि आपने इसको अगर मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन पे लगा हुआ है तो आपने इसको ईस्ट एशियन पे कर देना है। ईस्ट एशियन पे करके आपने इसको ओके करना है और आपकी जो टाइपिंग है वो आप उसको फोटोशॉप पे रिस्टार्ट करें और आपकी जो टाइपिंग है वो सही हो जाएगी। ठीक हो गया जी, अब टाइपिंग आ गई है, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं उर्दू में यहाँ पे। ओके मैंने लिखा है अल्लाह एक है, सब जानते हैं हमारा ईमान भी यही है कि अल्लाह एक है। अच्छा मेन मसला अब आ जाता है फॉन्ट्स का। सारी जो आपकी राइटिंग है अगर आप एरियल सेलेक्ट कर लें, आप अपने फॉन्ट स्टाइल में आप टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लें, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, आपको राइटिंग एक जैसी ही मिलेगी। ठीक हो गया जी, राइटिंग अगर आपको डिफरेंट मिलेगी तो वो आपको एक ही फॉन्ट है जो आपको कहने की, जो आप इन पेज में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको नूरी नस्तालिक फॉन्ट मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे ये रहा आपका नूरी नस्तालिक फॉन्ट। और अब इसका नाम है जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट। ये जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट दो शेप्स में है, एक नूरी नस्तालिक है और एक नूरी नस्तालिक खशीदा है। सो दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं और उसके सिंपली लिखें उर्दू, सॉरी उर्दू फॉन्ट्स, आप उर्दू फॉन्ट्स लिखें, आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा। आपको 20 फेमस उर्दू फॉन्ट्स हैं आपके पास, 500 उर्दू फॉन्ट्स हैं, आप 500 प्लस उर्दू फॉन्ट्स हैं आपके पास, बहुत सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये आपके पास है जमील नूरी नस्तालिक खशीदा, कशीदा। नेक्स्ट है जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर, जो मैंने यहाँ पे लगाया था वो रेगुलर था। फिर आपके पास आ जाता है गंदारा सोल्स रेगुलर, फिर आप आ जाता है अलकलम ताज नस्तालिक रेगुलर, फिर आ जाता है अलवी नस्तालिक रेगुलर। ठीक हो गया, आज यहाँ पे ऑल फॉन्ट्स पे करें, या फिर आप यहाँ से एक पूरी फाइल उसकी जिप फाइल डाउनलोड करके रख लें और सारे फॉन्ट्स को बारी बारी इंस्टॉल कर लें। फॉन्ट को डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे एक फॉन्ट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, फिर उसे इंस्टॉल करके बताता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे एक फॉन्ट है, ये आदिल, आदिल। ठीक हो गया जी, ये किसी बंदे ने अपने नाम पे रखा हुआ है फॉन्ट, मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। और अगर ये हमें ये डाउनलोड कर दे, वो कह रहा है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप इसको टाइप करें। सो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करता हूँ, बल्कि उसने खुद ही डाउनलोड करवा दिया। मैं इसको स्टार्ट डाउनलोड किया और मेरी जो डाउनलोड है वो हो चुकी कंप्लीट। मैं फोल्डर ओपन करता हूँ और ये हो गया हमारा फॉन्ट डाउनलोड। मैं इसको यहाँ पे फाइल्स में इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसको मैंने ओके किया और ये आ गया हमारा फॉन्ट। ठीक हो गया जी, ये आदिल आदिल फोल्डर के नाम से आ गया, इसके अंदर भी एक फोल्डर है। सो ये आपकी है ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। एक इसमें रीडमी है, रीडमी वो कहता है मुझे रीड करो, वो आपको इसमें इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर बताएगा। तो
दूसरा आप में आ रहा है टू टाइप फॉन्ट फाइल, ये आपकी असल फॉन्ट फाइल है। आप इसको ओपन करेंगे और आपको इसमें आपके फॉन्ट का स्टाइल नजर आएगा। आप उर्दू का जो भी फॉन्ट डाउनलोड करें वो आपको टाइम न्यू रोमन से मिलता जुलता नजर आएगा इंग्लिश के अंदर, लेकिन उर्दू के अंदर उसका जो यूनिक स्टाइल है वही होगा जो उसका ओरिजिनल स्टाइल है। सो मैं इसको इंस्टॉल कर, या जस्ट आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ी देर वो एक डायलॉग बॉक्स आएगा और आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपका आदिल नाम का फॉन्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर। तो जो मैंने ऊपर स्टेप अप टेक लिखा था इसको मैं इधर नीचे लेके आता हूँ और मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, अपने फॉन्ट जो हमने अभी इंस्टॉल किया है आदिल के नाम से, मैं उस वो इस पे अप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया जी। सो मैंने इस फॉन्ट को सेलेक्ट किया हुआ है, ये एरियल है, मैंने ढूंढना है आदिल। सो मैं इधर नीचे जाता हूँ, नीचे हमारे इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स होंगे और ये रहा हमारा आदिल का फॉन्ट्स। सो ये है स्टेप अप टेक जो मैंने आदिल का फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। और अगर आप इधर देखें तो वही फॉन्ट जो इधर है आपका वही फॉन्ट इधर आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। उसी शेप में है और उसी डिजाइन में है। आपके बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कुछ मैंने इधर डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं। आप इस तरह फॉन्ट डाउनलोड करें और उन पे अप्लाई करें। ये आदिल है, ये नूरी नस्ल के रिसेंटली यूज हुए हैं, ये इसलिए टॉप पर आ गए हैं। और यहाँ पे मैंने उनवान कोड है ये भी डाउनलोड किया के इंस्टॉल किया हुआ है। दुबई यूनिकोड है, दुबई है, ये मैंने डाउनलोड इंस्टॉल किया। इसी तरह आप इंग्लिश के फॉन्ट्स भी, इंग्लिश के बहुत सारे फॉन्ट्स फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपने कोई नए डिजाइन के फॉन्ट्स चाहते हैं तो आप उसके अंदर अपना जो फॉन्ट है वो इंग्लिश के फॉन्ट्स डाउनलोड करें और उन्हें इंस्टॉल कर लें, तो आप उनको भी इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बाकी सेटिंग सेम है, आपका फॉन्ट आपको बता दिया, साइज, शार्पनेस, हर चीज सेम है, कलरिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है। जस्ट आपने अपने फॉन्ट सिलेक्शन करनी है और आपने अपना जो है क्या कहते हैं फॉन्ट सिलेक्शन करनी है, आपने अपना टेक्स्ट टाइप करना है, वो आपने प्रिंट उसका लेआउट का प्रिंट निकाल के रख लें ताकि आपको इजी हो जाए ये देखना कि आपने कौन सा बटन प्रेस करके कौन सी टाइपिंग करनी है। मेरे कीबोर्ड के ऊपर कोई उर्दू अल्फाबेट नहीं है इस वक्त लगे हुए। सो जब भी मैं किसी को टाइपिंग करके देता हूँ उर्दू की, बेशक वर्ड में करूँ या फोटोशॉप में करूँ और या इन पेज में करूँ, तो वो बंदा हैरान हो रहा था कि भाई ये इस पे उर्दू लिखी नहीं होती, तुम कैसे टाइप कर रहे हो। तो दिमाग में तो लिखी हुई है ना, आपके दिल में लिखी हुई है, आपके दिमाग में लिखी हुई है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज है जो आपके दिल में लिखी जाती है, आपको डिजाइन खुद ब खुद आइडियाज आ रहे थे कि मैंने इस डिजाइन का डिजाइन बनाना है, इस शेप का डिजाइन बनाना है। सो आप स्टिक करेंगे अपने पैशन के साथ तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो उर्दू फॉन्ट इसका जो पाक उर्दू इंस्टॉलर है वो डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें फोटोशॉप के अंदर, अपनी सेटिंग बनाए, सेटिंग लगाएं ईस्टर्न एशियन पे, और आप उसको फॉन्ट डाउनलोड करें, फॉन्ट इंस्टॉल करें और अपनी उर्दू टाइपिंग और उर्दू के फ्लेक्सेस बनाएं। बहुत सारे फ्लेक्सेस जो आप फोटोशॉप पे बना के आप उनको प्रेजेंट करते हैं और पता भी नहीं चलता कि ये फोटोशॉप पे बना हुआ है या कोरल पे बना हुआ है। अक्सर हमारा माइंड सेट होता है कि जनाब ये जो उर्दू में है ये कोरल ड्रॉ पे बने हुए हैं और जो इंग्लिश में है ये इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे बने हुए हैं। तो नहीं भाई, उर्दू के भी बन जाते हैं, इलस्ट्रेटर में भी बन जाते हैं और फोटोशॉप में भी बन जाते हैं। सो पाक उर्दू इंस्टॉल इंस्टॉल करने का ये फायदा है कि आप अपने लैपटॉप में कहीं भी उर्दू टाइप करना चाहते हैं, इन पेज तो सिर्फ इन पेज के अंदर आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका पाक उर्दू इंस्टॉलर है ये आपको हेल्प करेगा कि आप पूरे फोटोशॉप, पूरे अपने कंप्यूटर में, पूरे लैपटॉप में कहीं भी उर्दू टाइप कर सकते हैं। आप क्रोम में करना चाहते हैं, आप सर्चिंग में करना चाहते हैं, आप वर्ड में टाइपिंग करना चाहते हैं, टाइपोग्राफी करना चाहते हैं, वर्ड वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, आप उर्दू यूज करें, पाक उर्दू इंस्टॉल इंस्टॉल करें, फॉन्ट इंस्टॉल करें। फॉन्ट आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिए वो आपके सारे प्रोग्राम्स में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। कोरल ड्रा में ये चीज काम नहीं करती, कोरल ड्रा में आपको इन पेज से ही करना पड़ता है, उसमें ईस्टर्न एशियन और वेस्टर्न एशियन की कोई सेटिंग नहीं है। मुझे अभी तक नहीं मिली, मिली तो जरूर अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे अब तक नहीं मिली। और उसमें आपको, लेकिन उसका वो प्रोसीजर बेस्ट है कि आप इन पेज पे टाइप करें और उसको कॉपी करके कोरल ड्रा में पेस्ट करें और उसकी सेटिंग वगैरह करके उसको ब्यूटीफुल सा बना के आप उसको प्रेजेंट कर दें। ठीक हो गया जी। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो?
कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन क्लिक करें और देखते रहिए स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल। और हमारे जो कोर्सेज हैं, अमेजोन कोर्सेज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज हैं, जब मुख्तलिफ कोर्सेज जो आप ऑनलाइन घर बैठे हुए सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को ज्वाइन करें और सीखें अर्निंग कैसे करनी है और स्टेप अप के साथ ग्रो करें। अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें स्टेप अप टेक यूट्यूब चैनल को और बेल के आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।